हेलो सर। आयुष आओ आओ अंदर आओ। क्या बात है, 3 बजे का बोल के एकदम 4:30 पे आ रहे हो? बड़े पंक्चुअल हो यार। या सर, आई एम सो सॉरी सर। इज योर सॉरी इनफ? नो सर, आई एम लिटरली सॉरी। डोंट बी आयुष, एक्चुअली सॉरी तभी बोलो जब तुम्हारा सॉरी तुम्हारे मिस्टेक को ओवरशैडो ना कर दे। खैर आयुष, क्या चल रहा फिर अभी? कुछ नहीं सर, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इसी में लगा हुआ हूँ। हाँ, तुम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे ना? हाँ सर, मैं एक्चुअली उसी को डिस्कस करने के लिए आपके पास आया हूँ। इट्स अबाउट आवर ज्यूडिशियल सिस्टम। अच्छा, मेल कर देते हैं, मैं वहीं भी बोले। नहीं ना सर, मुझे तो आपसे मिलना ही था, मिल के ही डिस्कस करना था। अच्छा, कैरी ऑन सर। श्योर सर। एक्चुअली सर, मेरा प्रोजेक्ट है ज्यूडिशियल सिस्टम की महानता के ऊपर। ज्यूडिशियल सिस्टम की महानता? महानता? स्ट्रेंज क्यों सर? मतलब मतलब भाई तुमने ऐसा टॉपिक क्यों चुना अपने प्रोजेक्ट के लिए जिसमें केवल 3 शब्द लिखे जा सकते हैं और उसके 2 शब्द है खुद ज्यूडिशियल सिस्टम? नहीं नहीं सर, मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ इसके ऊपर। किताब लिख सकते? आयुष, आर यू किडिंग यार? आई नेवर एक्सपेक्टेड कि तुम जैसा होनहार स्टूडेंट ग्रेटनेस ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम पर किताब लिखे। यार कॉपी दे सर। आप ये बात कर रहे हैं, आपने पढ़ाना छोड़ दिया इसलिए या आप इंटरेस्ट नहीं रहा? आयुष, इट्स नॉट अबाउट इंटरेस्ट, पढ़ाना छोड़ दिया या थिंकिंग। यू नो, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मुझे हमारे जुडिशियल सिस्टम में ड्रॉबैक्स ही ड्रॉबैक्स दिखते हैं। देखो कि दे मस्ट बी फिक्स्ड आउट, या तुम्हें दिखती है महानता? अगर तुम्हें महानता दिखती है तो आई एम डैम श्योर कि तुमने ठीक से रिसर्च ही नहीं की है। नहीं नहीं सर, मैंने बहुत काम किया इसके ऊपर। एक्चुअली मैं पिछले 3 महीने से लगातार इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। ओह, 3 महीने? ओके। 3 महीने? 13 साल? अरुणा शानबाग, मैं बताता हूँ। अरुणा शानबाग, 1973। रोज की तरह हर दिन का एक दिन था। अरुणा हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। वो निकली सुबह सुबह हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल पहुंची तो क्लीनिंग का काम चल रहा था। एक क्लीनर ने अरुणा को नर्स की ड्रेस में देखा और ही वेंट लाइक आउट ऑफ कंट्रोल इन दैट वे और उसने अरुणा का रेप कर दिया। रेप तो किया ही किया, वहां से सबूत मिटाने के लिए उसने एक मेटल की चेन उठाई और अरुणा का गला घोट डाला और वहां से भाग निकला। फैक्ट यह है कि अरुणा मरी नहीं थी। और तुम्हें पता है, शी इज अ ब्रेन डेड सिंस देन टिल नाउ। और उस क्लीनर का क्या हुआ? क्लीनर का हुआ ना, क्लीनर को भी पकड़ा गया, केस चला, कार्यवाही हुई।
सजा भी हुई, और पता किस चीज की? 7 साल की सजा हुई थी उसे, मर्डर और चोरी की। इंसाफ का है ये तो एक केस है, पता है? मैं तुम्हें कुछ और बताता हूं। याद आया, एक केस याद आया मुझे, सोनी सॉरी। हाँ सोनी सॉरी, सोनी सॉरी का केस ऐसा है कि पुलिस वालों ने सोनी सॉरी को एक इन्फॉर्मर के सस्पेक्ट के रूप में पकड़ा था। पकड़ने के बाद कई पुलिस वालों ने कई दिनों तक सोनी सॉरी का कई बार रेप किया, कई बार। इस केस का मुकदमा चला, इस पे कोर्ट कचहरी हुई। काफी टाइम होने के बाद इस केस को रद्द कर दिया गया, ये बोलकर कि सोनी सॉरी इन्फॉर्मर थी। चलिए ठीक है, एज ए ह्यूमन कोई भी अपराधी हो सकता है, सोनी सॉरी भी रही होगी इन्फॉर्मर, पर क्या इंडिया का जुडिशियल सिस्टम ये कहता है कि एक महिला अपराधी को एज ए इन्फॉर्मर सजा दी जाए, वो भी कई पुलिस वालों से कई दिनों तक रेप की? चलो मान लिया, बट कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं जो हमारे सिस्टम की वजह से सॉल्व हुए हैं। रिसेंटली निठारी केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, किस तरीके से पुलिस ने, इन्फॉर्मर्स ने और भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों ने सबने मिलके उन सारे आरोपियों को पकड़ा, उसके बाद में केस भी हुआ, उन्हें सजा भी हुई। तो इनफैक्ट बहुत अच्छे सिस्टम से, एक बड़े पर्टिकुलर मैनर के साथ में ये इसको सॉल्व किया गया केस को। बिल्कुल किया गया था, पर वंस अ व्हाइल। मैं तुम्हें एक और केस सुनाता हूं। सूर्या नली, केरला। इस केस में क्या हुआ था पता है? सूर्या नली ट्रैप हुई थी एक लड़के के शादी के झांसे में। वो लड़का उसे भगा कर लेकर गया। जहां वो उसे लेकर गया था वहां पर 41 आदमी पहले से मौजूद थे। सूर्या नली को 1 महीने तक उन्होंने कैद में रखा। कैद में रखने के बाद लगातार 40 दिनों तक उन 42 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया, कंटिन्यूस। तुम्हें पता उन 42 लोगों में कौन था? कुछ पॉलिटिशियन, एक वो लड़का जो उसे शादी के झांसे में फंसा कर लेकर गया था, कुछ उसके जानने पहचानने वाले लोग, कुछ रिलेटिव्स भी। Can I ask you something, sir? Yes. Sir, मैं देख रहा हूँ कि आपके रिसर्चेस में सारे के सारे रेप केसेस सेंट्रलाइज्ड हैं। हम किसी अपराधी की नजरिए से देखें, आपके ही केसेस में मान लेते हैं, क्या उस लड़की को 40 दिन के बाद भी उन सारे 42 लोगों के चेहरे याद रहे होंगे? तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब सर, उस लड़की ने इस कंडीशन में अगर किसी गलत इंसान को रिकॉग्नाइज कर लिया हो तो, आई मीन 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन किसी बेगुनाह को सजा भी तो नहीं होनी चाहिए। तो तुम्हारा सो कॉल्ड लॉ यहां भी बीच में आ गया, मतलब 100 गुनहगार छूट जाए और छूटने के बाद वो और कितने गुनाह करेंगे उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं है। खैर ये छोड़ो, जो तुमने मुझे बात बोली है, तुम विक्टिम्स के फैमिलीज को जाके ये बात बता पाओगे? प्रैक्टिकली इट हैपेंस, बट सर, बट व्हाट? छोड़ो, मुझे सिंपल सा बताओ कि मान लो एक अपराधी ने एक गुनाह किया और उसे पकड़ लिया, अब क्या? अकॉर्डिंग टू सिस्टम उस अपराधी के खिलाफ केस चलेगा कोर्ट में, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू उसके क्राइम
उसे सजा होगी और फिर जेल होगी। सिंपल। सिंपल मतलब अब उसको जेल भी होगी। जेल मतलब क्या? मतलब मैं रेप करूं, चोरी करूं, डाका डालू, मर्डर करूं, किसी को धमकाऊं, होगा क्या? जेल? जेल का मतलब क्या? अपराधियों के लिए जेल है एक 2-स्टार होटल जहां नो पे जस्ट स्टे। अब अपराधी आया, उसने अपराध किया, जेल हुई, जो सजा है उसके अकॉर्डिंग से सजा काटी और बाहर निकला। उसके बाद क्या? वो वही गुनाह फिर से करेगा और डबल इंटेंसिटी से करेगा इस बार। क्यों? क्योंकि उसे पता है जाना कहाँ है, जेल। बिकॉज ही नोज कि उसे जेल में जाना है जो एक होटल है। इट्स जस्ट लाइक नो पे जस्ट फकिंग स्टे। नहीं नहीं सर, लोग जेल में जाते हैं, अपने आप को सुधारते भी हैं। कई सारे मैंने अपराधियों को देखा है कि अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। टेक इट एज ए स्टोरी, राहुल की स्टोरी। राहुल एक डिसेंट सा लड़का है, काफ़ी डिसेंट, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। फादर उसके गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है। उसकी मदर हाउस वाइफ है। जॉइंट फैमिली में राहुल रहता है। सबके अकॉर्डिंग, उसके दोस्तों और उसके फैमिली के अकॉर्डिंग, राहुल बड़ा ही डिसेंट सा लड़का है। बट राहुल की दोस्ती किसी भी लड़की से नहीं है। राहुल आज उस उम्र में है जहाँ वो यू नो ये सब करना चाहता है। राहुल अंदर ही अंदर लड़कियों को देखता है, आंखें गर्म करता है बहुत सारी इंटेंसिटी के साथ। उसके माइंड में ये चीज़ें चलती रहती। एक दिन ऐसा ही आता है कि राहुल एक लड़की को देखता है और उसे ऐसा मौका मिलता है कि यू नो व्हाट वाज हैपेंड, सेम होता है। और फिर भाई तुम्हारे जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग केस चलता है, कार्यवाही चलती है, उसे सज़ा सुनाई जाती है और होती है जेल 10 साल की। अब तुम्हारे जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग राहुल अंदर क्या कर रहा है? सुधर रहा है, अपग्रेड कर रहा है, सुधरने की कोशिश कर रहा है कि आगे जेल काटने के बाद वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा। पर वहीं राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि उसे तो बड़ा प्लेजर लगा था उस टाइम पर। वो यही सोचता है कि मैं यहाँ से निकलूँगा, बाहर जाऊँगा, यही काम मैं फिर से करूँगा। सेम होता है, 10 साल बाद राहुल रिलीज होता है। एक दिन वो एक लड़की को देखता है, वैसे ही उसे उसे मौका मिलता है। सो मिस्टर यंग लॉयर ऑफ द नेशन, क्या करेगा राहुल अब? ठीक है सर, अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी विच इज एन एग्जाम्पल, किसी को जेल ना हो, डायरेक्ट डेथ सेंटेंस, इज दैट यू आर सेइंग? नहीं नहीं, मेरा कहने का ये भी मतलब नहीं है कि सबको डेथ सेंटेंस दिया जाए, बट टिट फॉर टैट। आई मीन जिसने जो गुनाह किया है उसे ठीक वैसे ही सजा दी जाए, बट डबल इम्पैक्ट के साथ। नहीं 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 सर, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। मैं तो अभी भी सिस्टम में विश्वास रखता हूँ और सभी को एक चांस और देना चाहिए। खैर आयु, ये तुम्हारी सोच है और तुम्हारी सोच तो मैं खैर बदल नहीं सकता। हो सकता है कुछ आने वाले सालों के बाद तुम कुछ और बात कर रहे हो। खैर इस बातों को हम यहीं पॉज करते हैं, कहीं और भटक गए थे यार। तुम्हारा प्रोजेक्ट निकालो, उस पर बात करते हैं। कॉफी? बुलेट पॉइंट्स बनाए थे सर, कुछ बताना है था आपको इसके बारे में। काफी अच्छे केसेस हैं सर। आयुष? हाँ कॉफी। ओह माय गॉड, हे आई एम सॉरी आयुष। सर इज योर सॉरी इनफ? सर यहाँ तो आपका सॉरी ओवरशैडो नहीं कर रहा इस मिस्टेक को।